वेलकम। आज हम प्रैक्टिस सेट 6.4 सॉल्व करेंगे। 8 स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 6 चैप्टर है मैथ्स का। तो फर्स्ट सम यहाँ पे 6.4 में हमें 6.1, 6.2, 6.3 में जितने भी हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं, एवरी टाइप के फार्मूलाज हमें एक साथ में यहाँ पे यूज़ करने होंगे। मतलब फार्मूले के बेस पे यूज़ करना है, एज वेल एज किसी किसी सम्स में हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है, और एज वेल एज जितने भी फार्मूले हमने स्टडी किए हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट, यहाँ पे सारे फार्मूला का अलग अलग यूज़ जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम यूज़ करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंप्लीफाई करके मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6.4 का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ये फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा सूटेबल होगा, ऐसे हमें चेक करना है और फिर इसके बाद में इसे सॉल्व करना है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। नंबर वन पे यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, वी विल चेंज दिस, एज वेल एज हम यहाँ पे एम क्यूब और एन क्यूब का फॉर्मूला यूज करके इसे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये पर्टिकुलर थिंग वहां पे मिलेगा फॉर्मूले के अंदर और हम इसे सॉल्व फर्दर कर पाएंगे। तो एम क्यूब एंड एन क्यूब का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लेना है, तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब, एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस एन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में होगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ऐसे। तो ये एम क्यूब और एन क्यूब, वही ए क्यूब और बी क्यूब लिखकर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिया था, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बेस पे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को कैसे, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, वैसे ही एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एम प्लस एन होगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एम माइनस एन, ऐसे। अब यहाँ पे हमने दो दो पर्टिकुलर टर्म को हमें चेंज करना है, एक यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो देयरफॉर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को हमें चेंज करना होगा, ऐसे करना होगा, एज वेल एज हमें इसको चेंज करना है एम क्यूब और एन क्यूब को, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले के बेस पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी को हमने एम और एन क्यूब के, एम और एन क्यूब के बेस पे लिया है, ऐसे। तो एम और एन क्यूब के बेस पे एम माइनस एन, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये बस समझाने के लिए था, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो डायरेक्टली ऑन द सेकेंड स्टेप। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, अब हमने एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को फॉर्मूले के बेस पे स्प्लिट करना है, ऐसे। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है, वैसे ही हमने एम प्लस एन और एम माइनस एन बना लिया है। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं एम प्लस एन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट एम माइनस एन, ऐसे।
तब मैंने फर्स्ट जो नंबर था एम स्क्वायर और एन स्क्वायर उसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया है, फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दिया है, एज वेल एज अब मुझे एम प्लस एन स्क्वायर है तो मैं इसको टू टाइम लिख सकता हूँ, जैसे एम प्लस एन वन टाइम हो गया और एम प्लस एन सेकेंड टाइम हो गया ऐसे। तो ये एम प्लस एन स्क्वायर था तो मैंने दो बार लिख लिया, ऊपर वाले नंबर को मैंने फॉर्मूले से स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, अब एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इसको मैं एज इट इज रखूंगा, नो चेंज करना है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर ऐसे एज इट इज अपॉन, अब यहाँ पे एम क्यूब है और माइनस एन क्यूब है तो ये मुझे फॉर्मूले में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर करके रखा हुआ है, शो किया है, तो कैसे किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूले के बेस पे हमें ये वाला जो हमने इसको फॉर्मूले में स्प्लिट किया है तो वो लिखना है एम माइनस एन ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस एन स्क्वायर ऐसे। तो ऐसे मैंने ये जो फर्स्ट स्टेप था इसके बाद सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट कर लिया है, ये लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए लिखा है, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये स्टेप हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी मैचिंग यहाँ पे होगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन है तो कैंसलेशन होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एम स्क्वायर एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों बिल्कुल मैच हो रहा है तो ये दोनों डिवाइड होगा मतलब कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसल यहाँ पे कैंसल ऐसे। अब फर्दर यहाँ पे हम देख सकते हैं एम प्लस एन कॉमन आ रहा है तो ये भी कैंसल हो गया, वन जा कट हो गया। अब उसके बाद में और कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है तो एम माइनस एन और यहाँ पे एम माइनस एन मैच हो रहा है तो ये दोनों भी हो जाएगा कट ऐसे। तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है वो हमारा हमें देखना है कि हमारे पास में क्या बच रहा है, ये फुल ऑलरेडी कट हो चुका है जैसे एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ वन बचा है, तो ये वन सा जाकर कट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर में कुछ नहीं बचा है बट नीचे एम एन बचा है, तो ऊपर में हमारे पास वन बचा है और नीचे हमारे पास एम एन बचा हुआ है एम प्लस एन ऐसे, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सब कुछ कट हो चुका है, जैसे ये पूरा ब्रैकेट जो था ऊपर और नीचे ये फुल ब्रैकेट कट हो गया है, यहाँ पे एम माइनस एन कट हो गया है। तो वी गॉट द फाइनल आंसर, ऊपर हमें यहाँ पे सारे कैंसल हो चुके हैं तो ऊपर हमें वन मिल रहा है मतलब वन मल्टीप्लाई बाय वन 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 जा वन, और नीचे हमें एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय वन तो एम प्लस एन ही होगा तो वन अपॉन एम प्लस एन, दिस विल बी अवर आंसर। ऐसे हमने फर्स्ट सम को सॉल्व किया है, सिंपल और इजी है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, यहाँ हम ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं या स्टार्ट में हम शो कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो आई होप यू गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा टेक्निक और मेथड यूज करेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस 21 यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करके जो आंसर आएगा फिर उसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे। तो अगर किसी को मिडल टर्म स्प्लिट करने नहीं आ रहा है तो मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, 6.1 पे जाओ, 6.1 में वहां पे मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट में चेक करके वो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखना है और सीखना है कि मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बड़ा है, तो आई विल जस्ट गिव यू लिटिल बिट हिंट हाउ टू गेट द मिडल टर्म।
तो यहाँ पे मिडल टर्म सॉल्व करेंगे, यहाँ भी हम मिडल टर्म सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो इसका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये वन है, मतलब वन स्क्वायर हो गया। तो ऐसे हम इसको फॉर्मूले को स्प्लिट करके उसका फॉर्म लिखेंगे। तो लेट अस बिगिन द सेकेंड क्वेश्चन। तो अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, ये हमने सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पहले हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे। तो ये इसका एक्सपांशन है, मतलब ये फॉर्मूले में अप्लाई हुआ। वैसे ही हम देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, बी के जगह पर वन है, मतलब वन स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस वन और सेकेंड हो जाएगा ए माइनस वन, ऐसे। तो ए प्लस वन, ए माइनस वन, ऐसे इसको स्प्लिट कर लेना है। अब हम इस पर्टिकुलर नंबर की जगह पर ये लिखेंगे ए प्लस वन और ए माइनस वन, क्योंकि ये फॉर्मूले का स्प्लिट हो जाएगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का हो जाएगा ए प्लस वन ए माइनस वन। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर प्लस टेन ए प्लस 21, तो सबसे पहले हमें इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए और प्लस करने पर 10। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन एक देखते हैं, जैसे 7 3s are 21, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, 21, और हमें ऐड करने पर 10 आ रहा है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये हमें लिखना होगा। तो कैसे लिखते हैं, देखो, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने 7 लिया है तो 7a, प्लस यहाँ पे हमने 3 लिया है तो 3a, प्लस 21। ऐसे मैंने फर्स्ट वाले का जो 10 है उसका मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया है। देखो 10 के जगह पर अब 7a और 3a आ गया है, तो 7 3 21, 7 plus 3 10। नेक्स्ट हम ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी हम ए स्क्वायर प्लस 6 है माइनस 7, इसका भी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो हमें ऐसा नंबर लेना होगा कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए और सबट्रैक्ट या एड करने पर 6 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा, जैसे 7 1s are 7 ही सूटेबल होगा, क्योंकि 7 1s are 7 हो जाएगा। और अगर मैं एक को प्लस और एक को माइनस दे रहा हूं तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 7 भी मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो माइनस 7 दिया हुआ है, तो मुझे माइनस 7 चाहिए। तो 7 1s are 7 प्लस माइनस माइनस। अब हम जैसे इसमें प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 minus 1 6, तो यहाँ पे मुझे मिडल टर्म भी मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 7 भी मिल रहा है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है। अब हम ये कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे ये कॉम्बिनेशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे हमने ऊपर वाले नंबर को लिखा था न्यूमरेटर को, वैसे ही बिल्कुल इसको भी लिखेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, अब हम 6 को स्प्लिट कर रहे हैं तो 7 plus 7a और माइनस 1, तो माइनस 1a, तो यहाँ पे 1 है बट लिखने का जरूरत नहीं है, तो 1a माइनस 1a, ये 1 आ गया, फिर उसके बाद में माइनस 7, ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों का मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया, 10 की जगह पर 7a और 3a आ गया है और 6 के जगह पर 7a और a मतलब माइनस 1, तो 7 1s are 7 प्लस माइनस माइनस, 7 minus 1 6, तो मिडल टर्म हमें मिल रहा है। तो ऐसे मैंने ये दोनों का मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया है मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। अब मैंने ए स्क्वायर और माइनस 1 का ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपांशन लिखा है, तो a प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1, ऐसे। अब a प्लस 3 हमें एज इट इज लिखना है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्म चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो एज इट इज a प्लस 3 लिख लिया, ऐसा।
अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके, जैसे हम मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं, अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस सेट 6.1 प्लेलिस्ट में जाके चेक करो और उसमें सीखो कि कैसे मिडिल टर्म सॉल्व करते हैं। तो अब हमें ये दोनों में से कॉमन लेना होगा, तो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर को हम सॉल्व करें तो a और a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच रहा है a प्लस 7 ऐसे, फिर यहाँ पे प्लस, अब ये दोनों में कॉमन लेना होगा तो यहाँ पे 3 7 21 होता है, तो 3 7 लाइटली लिखा है, ये लिखने का जरूर है, 3 3 क्या है कॉमन, तो 3 कॉमन आ गया, बच रहा क्या है ब्रैकेट में a प्लस 7, तो a प्लस 7 ब्रैकेट में बच गया अपॉन, अब इसमें भी ऐसे ही कॉमन निकालना है, a a कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच रहा है a प्लस 7 ऐसे, a प्लस 7, फिर यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय a है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो 1 1 कॉमन आएगा, तो माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है a प्लस 7, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर बचा है a प्लस 7 ऐसे। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स जाओ, 6.1 में सीखो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक सम वहां पे बताया गया है, ये क्योंकि सेक्शन डी क्वेश्चन है, इसमें सब मिक्सअप फॉर्मूला है, तो इसीलिए यहाँ पे आई कैन नॉट शो यू एवरीथिंग, तो 6.1 में जाके सीखो कैसे निकाला है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1 1 कॉमन आ गया, माइनस माइनस कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच रहा है ए, और यहाँ पे माइनस तो बाहर गया है, तो प्लस 7 बचा हुआ है, तो प्लस 7 ऐसे। अब हमें मल्टीप्लाई बाय, इसको एज इट इज लिखना है a प्लस 1, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है, अपॉन a प्लस 3 ऐसे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट दिख रहा है a प्लस 7, तो वो बाहर आ जाएगा, a प्लस 7 बच गया क्या, a प्लस 3 बचा हुआ, अपॉन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है a प्लस 7, तो a प्लस 7 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बच रहा है a माइनस 1, तो यहाँ पे a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको एज इट इज लिखना है a प्लस 1, और यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन यहाँ पे a प्लस 3। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, फाइनल स्टेज पे है, अब देखते हैं यहाँ पे कैंसलेशन, तो यहाँ पे a माइनस 1 a माइनस 1 ऊपर नीचे है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, मतलब वन जा। नेक्स्ट उसके बाद और भी देखते हैं यहाँ पे, और कुछ जो मैच हो रहा है a प्लस 3 मैच हो रहा है, तो a प्लस 3 कट हो जाएगा, वन जा a प्लस 3 1 जा और a प्लस 3 1 जा कट हो गया ऐसे। तो ऐसे हमें जो जो नंबर सेम टू सेम ऊपर और नीचे है वो कट हो गए, एज वेल एज a प्लस 7 मैच हो रहा है, तो ये a प्लस 7 1 जा ऊपर नीचे कट होगा, बाजू बाजू में कट नहीं होता है, ऊपर नीचे कट होगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो वो कट हो जाएगा, तो a-1 और a-1 कट, a प्लस 3 कट, a प्लस 7 कट। नेक्स्ट इसके बाद बच गया क्या है a प्लस 1 और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, तो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी a प्लस 1, तो a प्लस 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ऐसे हमने फाइनल आंसर निकाल लिया है, आई होप यू गेटिंग इट कि कैसे मैंने सॉल्व किया। स्टार्ट से देखते हैं, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि किसको सॉल्व करना है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है a²b² फॉर्मूला लेकर के, एज वेल एज ये दोनों का मिडिल टर्म निकालना है, इसको एज इट इज रखना है क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हमने दोनों को स्प्लिट कर लिया, फिर उसके बाद हमने ये जो a²-1² है उसका जो स्प्लिट लिखा है a+1 a-1, उसके बाद हम मिडिल टर्म को फाइनली सॉल्व करते हैं, फिर हमें सेम टू सेम नंबर दिखाई देने लगते हैं ऊपर नीचे, तो वो कट कर देना है, तो रिमेनिंग नंबर जो बच रहे हैं, रिमेनिंग जो टर्म बच रहा है a+1, तो a+1 नीचे कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, तो a+1 मतलब 1 दिखाई नहीं देगा नीचे, क्योंकि ऑलरेडी रहता ही है, तो a+1 विल बी अवर आंसर, ऐसे हमने सॉल्व करना है। तो आई होप यू गॉट दिस सेकेंड क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन लेंथी है, बड़े क्वेश्चन है, तो इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए घर पे प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, रिवर्स जाओ, फिर से वीडियो को देखो कि कैसे सॉल्व किया है, ऐसे ही हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now let us see question number 3. 8x cube minus 27y cube 4x square minus 9y square. इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो फिफ्थ चैप्टर को देखो, फिफ्थ चैप्टर का 5.1, 5.2 ये सारा सिखाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, पहले उसको देखो और सीखो तो यू विल गेट इट, क्योंकि ये डी क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज और सारी चीजें अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूलाज हमें आना चाहिए। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो लेट अस बिगिन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर वाले नंबर में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें सबसे पहले बाय हार्ट होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं आता है तो हमें सॉल्व करने नहीं आएगा, तो फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, नंबर वन थिंग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। अब हम इस 8 एक्स क्यूब है और यहाँ पे 27 वाई क्यूब है, इसको हम इस फॉर्मूले के बेस पर फॉर्म करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 8 के पास में x है, x के पास में क्यूब है, तो 8 के पास 8 को हमें क्यूब रूट निकालना होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8 होता है, तो हम 2 का जब क्यूब करते हैं तो 8 होता है, वैसे हम 8 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो यू विल गेट 2, तो क्यूब रूट 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है वैसे ही 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो हमने 8 का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 की जगह पर हमें 2 लेना है और x क्यूब, तो x आ जाएगा, तो होल ब्रैकेट करके हम क्यूब लिखेंगे ऐसे। तो हमने 8x क्यूब को अब हमने 2x बना लिया है। कैसे बना लिया? कि हमने 8 का क्यूब रूट लिया है 2 और x क्यूब का क्यूब रूट है x, तो होल रेस टू क्यूब। अगर हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में सेम टू सेम 27 के लिए भी वैसे ही करना है, तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, जैसे 3 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 3 × 3 × 3 ऐसे, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = होता है 27। तो वैसे ही अगर हम क्यूब निकालते हैं, 3 का क्यूब निकालते हैं तो 27 होता है, वैसे ही 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यू विल गेट 3। तो यहाँ पे 3y द होल क्यूब ऐसे। तो अब हमने इसको a क्यूब और b क्यूब के फॉर्मेट में बना लिया है ये नंबर को। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे फॉर्मूले के बेस पर पे, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y ए और बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्योंकि 2 आएगा तो 2x द होल स्क्वायर ऐसे प्लस 2x ऐसे, ए की जगह पर 2x और मल्टीप्लाई ए बी है तो 2x मल्टीप्लाई बाय बी, बी मतलब 3y तो 3y ऐसे, फिर उसके बाद में प्लस है तो यहाँ प्लस, बी के जगह पर मैं 3y तो यहाँ पे 3y द होल स्क्वायर ऐसे, बी के जगह पर 3y तो 3y लिख लिया द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे। तो अब हमने इस ब्रैकेट को जैसे इसको ये फॉर्मेट में ले लिया है, इसको और फर्दर हम मल्टीप्लाई करके फाइनल निकालते हैं, तो 2x माइनस 3y ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 को स्क्वायर मिल जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 2 3 6 हो जाएगा, तो 6xy ऐसे, प्लस
यहाँ पे 3 को स्क्वायर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और y को स्क्वायर देंगे तो y स्क्वायर ऐसे। तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है पिछले चैप्टर्स में, 5th चैप्टर में हम देख सकते हैं, तो ये प्लेलिस्ट में जाके चेक करो 5th चैप्टर का 5.1 5.2 चेक करो, यू विल गेट दिस कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमने एक बार फिर से आई हैड शोन यू कि कैसे हमने इसको फॉर्मूले के बेस पे 8 क्यूब और -27y³ को इसे ट्रांसफर किया, और इसके बाद में इसका इसे हमने सोल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट वैसे ही हम सेम टू सेम 4x² और 9y² को भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b² का। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या आता है, a² - 2ab + b² ऐसे। तो ये a² - b² का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें नहीं आता है तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर वन थिंग, अगर मैंने a² - b² का फॉर्मूला ये लिख लिया है तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हमने पहले भी किया था, तो a+b और a-b इसका फॉर्मूला है ऐसे। तो ये a² - b² का फॉर्मूला है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये a-b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यही एग्जाम में स्टूडेंट मिस्टेक करता है और वो ये फॉर्मूला लिख देता है और उसका आंसर रॉन्ग मिलता है। तो ये फॉर्मूला है a² - b² का, a+b a-b। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं 4x² को अभी हमें इसको ये फॉर्मेट में लेना होगा, तो 4 का रूट निकालना होगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 9 का रूट हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये a और b की तरह हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y + 3y ऐसे, 2y + 3y, सॉरी यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ भी x है, हाँ तो 2x + 3y एक हो गया, दूसरा ब्रैकेट जैसे a+b a-b मतलब 2x - 3y ऐसे। तो a+b a-b ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अब हमने दोनों को स्प्लिट कर दिया है ऑलरेडी, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन लिख करके फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। 8x³ - 27y³, 8x³ - 27y³ ऐसे अपॉन, दूसरा था 4x² - 9y² अब हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व कर लिया है ऊपर, तो उसका जो सोल्यूशन हमें मिला है जैसे 8x³ - 27y³ का हमें सोल्यूशन मिला था ये, तो ये ऊपर लिख लेना है 2x - 3y, तो वो ऊपर लिखना है 2x - 3y फर्स्ट ब्रैकेट में, और फिर सेकंड ब्रैकेट में 4x² + 6xy + 9y² 4x² + 6xy + 9y² ऐसे। तब मैंने ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन लिख लिया ऊपर, द होल अपॉन अब हम सेकंड वाले का सोल्यूशन लिखेंगे, जैसे हमने 4x² - 9y² का क्या बनाया था, 2x² - 3y² तो उसका सोल्यूशन आया था 2x + 3y, तो वो लिखेंगे हम 2x + 3y ऐसे, और 2x - 3y 2x - 3y ऐसे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमने ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया है, अब इसमें क्या क्या चीजें जो सेम है वो कट हो जाएगा, और कट होने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो ये वन जाओ के कट हो गया, फाइनली यू गॉट द आंसर 4x² + 6xy + 9y² अपॉन 2x + 3y, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऐसे हमें सॉल्व कर। आई होप यू गॉट दिस के कैसे मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, कैसे अप्लाई किया, फॉर्मूला यूज करके मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, एक्सपांड कर दिया,
वैसे ही दूसरे नंबर को भी फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड कर दिया, फिर उसके बाद दोनों का जो एक्सपांशन है वो ऊपर नीचे लिख लिया है, कैंसलेशन करने के बाद फाइनल आंसर वी गॉट दिस। अगर हमें इसे डायरेक्टली करना है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें इसके बाद ये स्टेप लिखना होगा। अगर हमें डायरेक्ट जाना है इतना सारा जो किसी किसी के स्कूल में डायरेक्टली शो करते हैं तो वैसे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, तो ऊपर वाले का हमें ये नंबर स्प्लिट किया हुआ लिखना है, जैसे 2x cube माइनस 3y cube, तो 3y cube अपॉन, वैसे ही 4x का हमने क्या निकाला था, 2x का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लिखना होगा क्योंकि होल ब्रैकेट है, माइनस 9 के लिए हमने लिया था 3y square, ऐसे तो ये हमने उसको ट्रांसफर किया था, बाद में इसी ट्रांसफर को हमने एक्सपांड किया और इसके बाद ये वी गॉट द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये फाइनल आंसर, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। आई होप यू गॉट थर्ड आंसर, थर्ड सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है। समझ में नहीं आ रहा है तो रिवर्स जाओ, फिर से वीडियो देखो, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन डी है, बड़े क्वेश्चन है इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ये हमें देखना है। नंबर वन यहाँ पे फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, इसमें सबसे पहले जो न्यूमरेटर है इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद में हम इसको एज इट इज रखेंगे, नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 64 है तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम जस्ट यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो इसको 2 times हम लिख लेंगे, तो ऐसे हमें फॉर्मूला यूज करना है और इसे स्प्लिट करना है। तो लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 ब्रैकेट में, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 8, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 8 द होल स्क्वायर। लेट अस बिगिन, सबसे पहले हमें इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें ऐसा टेबल देखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस 24 मिलना चाहिए, तो हमें ऐसा नंबर चॉइस करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 24 आ जाए और प्लस माइनस करने पर जो मिडल टर्म है वो मिल जाए। जैसे जो मोस्ट 24 जो टेबल में जाता है वो है 8 3s are 24, तो 8 3s are 24 हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि टेबल के अंदर में जैसे जो हमें 8 3s are 24 मिल रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस 24 चाहिए, तो 8 और 3 के पास कौन सा साइन हमें देना है ये इम्पोर्टेंट है। तो एक को हमें जैसे प्लस देना होगा और एक को हमें माइनस देना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमें 8 को कौन सा साइन देना है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है स्टूडेंट को, यही समझना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मिडल टर्म का साइन होता है वो हमेशा बड़े नंबर को देना रहता है, तो यहाँ पे माइनस 8 हो गया तो इसको प्लस 3, मतलब यहाँ पे प्लस साइन देना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 8 3s are 24। अब प्लस माइनस माइनस भी करना है हमें, तो 8 माइनस 3 करने पर 5 भी आ रहा है और 5 के पास बड़े नंबर का साइन है, मतलब 8 का साइन है, तो हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है माइनस 8 और प्लस 3 ये परफेक्ट है। इसके बेस पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया, अब माइनस 5x की जगह पर ये दोनों नंबर आएगा तो वो लिखना है माइनस 8x और प्लस 3x, ऐसे फिर माइनस 24 अपॉन, ऐसे हमें हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 5x की जगह पर अब 8x और 3x आए, कैसे हुआ, 8 3s are 24, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस भी करना है, 8 minus 3 5, बड़ा नंबर 8 है, 8 के पास माइनस है और 5 के पास भी माइनस है, तो ऐसे हमने मिडल टर्म स्प्लिट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको तो एज इट इज लिखना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे मैं एज इट इज इसको लिख ले रहा हूँ। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर और ये 64 का हमें रूट निकालना होगा, रूट 64। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालना होगा, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8,
क्योंकि 8 8 जा करने पर हमें 64 मिलता है, वैसे ही 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। मोस्टली बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए एक स्क्वायर का टेबल हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे हम 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ऐसे एक स्क्वायर का टेबल हमें बाय हार्ट होना चाहिए, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 64 चाहिए, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो इसका रूट 8 होगा, तो ऐसे हमें स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। क्योंकि अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, वैसे ही 64 का रूट अगर निकालते हैं तो 8 होता है, तो हमें 64 का रूट निकाल रहे हैं तो 8 हो रहा है, मतलब 8 स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 64 का रूट 8 आ रहा था, तो हमने एक्स 8 स्क्वायर लिया है ऐसे, क्योंकि 8 स्क्वायर करने पर 64 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हमें दो मतलब 2 लिखा है, तो यहाँ पे इसको दो मतलब 2, इसका जो 2 नंबर्स है इसको दो बार हमें लिख लेना है, x माइनस 8, और एक और बार लिखना है x माइनस 8, तो हमने इसको दो बार लिख लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मिडल टर्म जो हमने स्प्लिट किया था उसका कॉमन निकाल कर बाहर लेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर x और x कॉमन है, तो x बाहर आ गया। अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे एक x बचा हुआ है, तो x माइनस यहाँ से बाहर गया कॉमन में, तो यहाँ पे 8 बचा हुआ है तो 8 लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो कॉमन यहाँ पे जैसे 24 है तो 3 8 जा 24 होता है, तो 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो प्लस 3 बाहर आ गया, ऐसे प्लस 3 बाहर लिख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है x माइनस 8, तो यहाँ पे x माइनस 8 ऐसे। अगर हमें ये नहीं आ रहा है कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 6.1 प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो और देखो वीडियो, यू विल गेट इट कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स वीडियो को देखना होगा, तभी समझ में आएगा और इसको प्रैक्टिस भी लगेगा। तो कैसे मैंने कॉमन निकाला, 3 और 3 कॉमन है, तो इसमें से और इसमें से 3 बाहर आ गया। यहाँ पे बच गया क्या है, x बचा है, माइनस बचा है और 8, तो x माइनस 8 ऐसे। अब उसके बाद में नीचे जो नंबर्स बचे हुए एज इट इज कॉपी करना है, x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 8 ऐसे। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वैसे ही हमें इसको भी ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 8 स्क्वायर है, तो हो जाएगा x प्लस 8 और नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 8, x माइनस 8 होगा x माइनस 8। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आता है a प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ही हमने x प्लस 8 x माइनस 8। फॉर्मूला वाले चैप्टर्स में हमें देखना है 5.1 5.2 कैसे सॉल्व किया है, प्लेलिस्ट में जाके देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, यू विल गेट इट। नेक्स्ट उसके बाद इसे हमें एज इट इज लिखना है x माइनस 8 और यहाँ भी आएगा x माइनस 8। अब हमें फाइनल स्टेप देखना है, यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा x माइनस 8। अब ब्रैकेट में बच रहा है x प्लस 3, तो वो लिखना है x प्लस 3 अपॉन, यहाँ पे हमें एज इट इज x प्लस 3 और यहाँ पे हमें x प्लस 8 एज इट इज लिख लिया है। तो हमारा ऊपर का फाइनल आंसर आ गया है मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद, न्यूमरेटर का फाइनल आंसर मिल गया है मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे हमें एज इट इज सब कॉपी करना है, तो x प्लस 8 और यहाँ भी x माइनस 8 अपॉन, यहाँ पे x माइनस 8 और यहाँ पे x माइनस 8, तो एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया ये ब्रैकेट्स को। अब कैंसलेशन, क्योंकि फाइनल स्टेज आ गया है, अभी हमें कैंसलेशन करना है और फिर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर नीचे देखना है, अगर सेम टू सेम नंबर आ रहे हैं तो वो वन जा होके कट हो जाएंगे, और कुछ भी जो कॉमन आ रहे हैं ऊपर नीचे ब्रैकेट में मैच हो रहे हैं वो कट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 8 और यहाँ भी x माइनस 8 है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी x माइनस 8 है और यहाँ भी x माइनस 8 है, तो ये भी दोनों कट हो जाएंगे।
तो अब हमारे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है x प्लस 8 अपॉन 1। तो x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करने पर सिर्फ और सिर्फ x प्लस 8 हमारे पास ऊपर बचा हुआ है और नीचे 1 बचा हुआ है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हमें ये मिल रहा है x प्लस 8, तो x प्लस 8 विल बी आवर आंसर। ऐसे हमने सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट दिस के कैसे मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स जाओ, फिर से वीडियो देखो, अच्छे से समझो कि कैसे किया है, कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं और कैसे हमने आंसर निकाला है। आई होप यू गॉट दिस। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें देखना है अच्छे से और कुछ कट हो रहा है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8x-8 कट हो गया है। अब यहाँ पे एक और नंबर कट हो रहा है x प्लस 8, और यहाँ भी x प्लस 8 है, x प्लस 8 ऊपर है और यहाँ पे x प्लस 8 नीचे है। तो सेम टाइप के जो नंबर है वो कट हो जाते हैं। तो ये भी कट हो गया 1 और ये भी कट हो गया 1, सारे जो है 1 करके कट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सारे नंबर्स कट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। ये साइड पे 1/1 बचा है और ये साइड पे भी 1/1 बचा है। तो 1 क्योंकि 1 होता है तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1 है, 1 होगा, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1। तो ऐसे हमें इस प्रैक्टिस सेट सॉरी इस सम का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 मिल रहा है। तो कैसे मैंने सॉल्व किया, आई होप यू गॉट दिस। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो फिर से देखो, स्टार्ट से रिवर्स जा करके वीडियो देखो कि कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने मिडल टर्म स्प्लिट किया है, उसके बाद इसके डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा है, फिर इसके बाद मैंने स्क्वायर का टेबल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज किया है। तो पहले इसके फॉर्मेट में लाया है, जैसे यहाँ 64 था तो 8 स्क्वायर बनाया। अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ सकता है। तो इसको हमने फॉर्मूले के बेस पे स्प्लिट किया है, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करके उसका फाइनल आंसर निकाला। फिर उसके बाद इसको जो एज इट इज लिखा था वो लिखा है, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो है, और इसको हमने क्योंकि स्क्वायर था एक्स माइनस 8 स्क्वायर था तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बस इसे 2 लिख लेना है। तो हमने 2 लिख लिया, फिर उसके बाद जो जो कुछ मैच हो रहा है ऊपर नीचे उसे कैंसलेशन कर लेना है। तो लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचेगा, तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी 1। आई होप यू गॉट दिस के कैसे मैंने सॉल्व किया। रिवर्स जाओ, फिर से देखो, वीडियो समझ में आएगा। अगर हम वीडियो को बार बार देखेंगे तो यू विल गेट इट। साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दोनों टर्म को डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये तो हमें ऑलरेडी हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा था कि डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई जब हमें चाहिए तो हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें जो राइट साइड का नंबर है उसका रेसिप्रोकल, मतलब जो नीचे नंबर दिया होता है डिनोमिनेटर वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर नंबर है न्यूमरेटर वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम कैंसलेशन करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये नोट करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था तो हम डायरेक्टली कैंसलेशन कर रहे थे, बट ये वाले सब में डिवाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करना लास्ट में भूलना नहीं है। तो लेट अस बिगिन विद द फिफ्थ क्वेश्चन। तो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमें सबसे पहले इसका मिडल टर्म सॉल्व करना है। तो मिडल टर्म सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट में भी एक नंबर है और एंड में भी नंबर है, तो स्टार्ट और एंड में नंबर होने के टाइम पे हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टेबल में 6 फाइंड करना है, 3 × 2 = 6, तो मुझे -6 फाइंड करना है। तो मुझे ऐसा नंबर लेना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे -6 आ जाए और प्लस माइनस करने पर जो मिडल टर्म है 1 वो आ जाए। तो यहाँ पे हम अगर हम टेबल देखेंगे तो मुझे 6 चाहिए, तो 3 × 2 करके हम ले सकते हैं। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। अब हमें साइन कौन सी देना है, तो मिडल टर्म के पास माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस साइन देना है और छोटे नंबर को प्लस देना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा ऐसे, और ये दोनों को भी हम माइनस कर पाएंगे तो हमें मिडल टर्म में 1 मिल जाएगा। तो इन दिस वे हमने ये मिडल टर्म सॉल्व स्प्लिट किया। अब इसको लिख लेना है, तो पहले हम 3x लिख लेते हैं, 3x²
फिर उसके बाद आएगा माइनस थ्री एक्स, फिर प्लस टू एक्स, फिर माइनस टू, ऐसे। तो ये मैंने फर्स्ट वाला मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया है, ये फर्स्ट वाले का मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो इन दिस वे ऐसे करना है। अगर हमें मिडल टर्म स्प्लिट करने नहीं आता है तो प्रैक्टिस सेट 6.1 जा करके हमें सीखना है कि कैसे करते हैं, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस सेट 6.4 सबका मिक्सअप है, 6.1, 6.2, 6.3 इनका मिक्सअप है। तो हमें 6.1 सीखना होगा कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने माइनस एक्स को स्प्लिट कर दिया है दो नंबर में, जैसे 3 2 6, यहाँ पे 6 कैसे आया, ये 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई, फ्रंट वाले नंबर को बैक साइड, सेम वैसे ही ये वाले नंबर का भी मिडल टर्म स्प्लिट करना है। बट यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट 12 ढूंढना होगा टेबल में। तो 4 3 12 होता है, तो जैसे हम अभी 7x की जगह पे 4 3 तो 4 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो 4x - 3x। यहाँ पे मैं दोनों को माइनस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें प्लस 12 मिल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 12 आ रहा है। और एज वेल एज दोनों को प्लस भी करना है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो ऐसे हमने इसका भी मिडल टर्म सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमें अब दूसरे नंबर का मिडल टर्म सॉल्व करना है, तो इसका मिडल टर्म हम सॉल्व करेंगे 3, अभी स्टार्ट में नंबर है तो स्टार्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 18 होता है, तो हमें -18 टेबल में ढूंढना होगा। -18 हमें टेबल में ढूंढना होगा, तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए बट माइनस प्लस करने पर 7 आ जाए, ऐसे। तो यहाँ पे एक नंबर हमें मिलना है 9 2 अगर मैं 9 को 2 से माइनस करता हूँ तो 7 मिल जाएगा, तो और 9 2 18 भी होता है, तो ये हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर को देना है, माइनस साइन, और दूसरा साइन 2 को क्या देना है वो यहाँ पर दिख करके डिसाइड करना है। तो अगर मैं एक को माइनस दे रहा हूँ, एक को प्लस दे रहा हूँ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -18 मिल जाएगा। तो इन दिस वे हमें करना है। यहाँ पे आ गया 3x² - 9x - प्लस 2x, तो यहाँ पे प्लस 2x, फिर आएगा -6/1। ऐसे हमने इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया है, -7x की जगह पे अब आ गया -9x + 2x, प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमें दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करके हमें 7 भी मिल रहा है। तो इन दिस वे हमें कॉम्बिनेशन बनाने आना चाहिए। अगर हमें यही बनाने नहीं आ रहा है तो हमें फिफ्थ सम नहीं कर पाएंगे हम। हमें 6.1 का प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे जो प्लेलिस्ट है वीडियो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके 6.1 को सीखो, यू विल गेट इट कि कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, x² - 4, तो इसको कैसे करना है, x² है तो x आ गया x², अब ये 4 है तो ये हमें 2² करना होगा, मतलब इसे चेंज करना होगा, तभी ये फॉर्मूला फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे a² - b² की तरह ये लगेगा, ऐसे। तो हमने इसको फॉर्मूला फॉर्मेट के लिए 4 का रूट निकाल लिया है, 4 का रूट क्या होता है, 2², तो वो लिख लिया। अब हम इस पर्टिकुलर जो स्प्लिट किया था उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन निकालना होगा, तो 3 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन आ गया और 3 3 कॉमन। अब बच गया वो ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ क्या बचा हुआ है, 1x तो बाहर गया, कॉमन में 1 बचा है, तो वह x लिख लेना है। और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 3x कॉमन में बाहर चला गया है, तो यहाँ पे बचा है 1, तो यहाँ पे -1, ऐसे। तो इन दिस वे ये दोनों नंबर में से कॉमन निकालना है। कैसे कॉमन निकालना है, बहुत इजी है, यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ कि कैसे कॉमन निकालना है, 3 × x × x, ऐसे ये इसका फैक्टराइज हो गया, फिर उसके बाद -3 × x × x, और फिर उसके बाद -3 × x, ऐसे। तो ये दो नंबर का मैंने यहाँ फैक्टराइज लिखा, अब 3 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ गया, और क्या कॉमन है, x, और x कॉमन है तो x भी बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में बचा क्या है, x
माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब वन बचा है, तो एक्स माइनस वन। ऐसे ऐसे मैंने ये दोनों का कॉमन निकालना है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वन आ गया, फिर इसके बाद ये दोनों में कॉमन निकालना है। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, जैसे टू और टू कॉमन है तो प्लस टू बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच रहा है वो लिखना है, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे टू तो बाहर गया कॉमन में, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब वन बचा है, और यहाँ पे एक्स बचा है, टू टू कॉमन गया, यहाँ एक्स बच गया, तो एक्स माइनस वन। ऐसे ऐसे कॉमन निकालने आना चाहिए, ये दोनों में हमने कॉमन निकाला है टू को, बच गया क्या एक्स माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा था, टू तो बाहर गया है, तो वन बच गया, तो वन लिख। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिट को सीखो, 6.1 प्लेलिस्ट में जा करके चेक करो एंड यू विल गेट इट। अब इसको सॉल्व करना है, इसका भी यहाँ हम कॉमन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है मिडिल टर्म का, तो एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और बच रहा क्या है ब्रैकेट में x माइनस 4। ऐसे ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे 12 और 3x ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो 3 × x और 12 का आएगा 3 × 4, 3 × 4 = 12, तो दोनों में कॉमन 3 3 आ रहा है, तो 3 बाहर आ गया। ऐसे ये दोनों में कॉमन, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ x बचा हुआ है, तो x लिख लो, और फिर यहाँ क्या बचा हुआ है 4, बट यहाँ साइन कौन सा आएगा, इसके लिए हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन आएगा ऐसे, तो माइनस 4 बचा हुआ है ऐसे। तो इन दिस वे मैंने इसका भी नेक्स्ट स्टेप किया, इसका भी नेक्स्ट स्टेप किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में हम फर्दर इसको ऐसे ब्रैकेट्स में से कॉमन निकालना है। नेक्स्ट डिवाइड, अब ये वाले पार्ट का भी सेम ऐसे ही होगा, दोनों में कॉमन निकालना है। तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 3 × 3 = 9 होता है, तो हम यहाँ पे लिख के, मैं यहाँ फैक्टराइज बता रहा हूँ, 3 × x × x, और दूसरा है 3 × 3 × x, ऐसे इसका फैक्टराइज 9 का, तो 3 × 3 = 9 और x। अब कॉमन 3 और 3 क्या आ रहा है, कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, x और x, तो 3x कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 3x बाहर आ गया ऐसे। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x, तो यहाँ पे स्टार्ट में x बच रहा है, तो x लिख लिया, माइनस और क्या बच रहा है सेकेंड पार्ट में 3, यहाँ पे आएगा 3। इन दिस वे ये हमने ऐसे साइड में ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। तो ये आगे इसका, अब हमें इसका भी स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 × 3 = 6 होता है, तो 2 और 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो प्लस 2 कॉमन बाहर आ गया। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 तो बाहर गया है, तो यहाँ पे x माइनस 3, तो x माइनस 3, यहाँ माइनस साइन कैसे है, ऐसे भी हम देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, या ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो साइन आया है वही साइन सेकेंड ब्रैकेट में भी आएगा। इन दिस वे अब इसको एज इट इज लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2² ऐसे। इसको हमने नो चेंज किया है, सॉरी यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों का ब्रैकेट, जैसे x माइनस वन कॉमन है, तो एक्स माइनस वन बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बच गया, 3x + 2, तो यहाँ पे लिखना है 3x + 2 ऐसे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेकंड वाला जो डिनोमिनेटर है x माइनस फोर कॉमन है, तो x - 4 अलग हो गया, ब्रैकेट में बच गया x - 3, तो x - 3 ऐसे। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कॉमन दोनों में x माइनस थ्री कॉमन है, तो x - 3, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3x + 2, तो वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया ऐसे। अपॉन x² a² b² जैसे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो a² b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b फॉर्मूला आना चाहिए हमें। तो ये हम a² b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2 और दूसरा हो जाएगा x - 2 ऐसे। अब हमने सारे नंबर्स को सॉल्व कर लिया है और सारे का जो
मिडल टर्म जिसका जिसका स्प्लिट करना था, इसका इसका और इसका मिडल टर्म स्प्लिट किया और इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है ऐसे। अब यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ, अगर हम कैंसलेशन करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, डिवाइड की जगह पे हमें मल्टीप्लाई चाहिए। तो मल्टीप्लाई चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, मतलब जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, मतलब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना होगा। पहले ये लिख लेते हैं, ये एज इट इज आएगा ये साइड वाला नंबर x माइनस फोर और x माइनस थ्री एज इट इज। अब डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, ये नीचे का नंबर ऊपर x प्लस टू और x माइनस टू अपॉन ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा x माइनस थ्री और थ्री एक्स प्लस टू ऐसा। इन दिस वे अब कैंसलेशन जो सेम टेबल से जा रहे हैं वो कट हो जाएंगे, मतलब सेम दिखाई दे रहे वो कट हो जाएंगे, मतलब क्योंकि वो सेम टेबल सेम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो वंस आ जाके कट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 3x प्लस टू और यहाँ भी दिख रहा है 3x प्लस टू, तो ये हो जाएगा कट इन दिस वे। और कुछ हमें कॉमन दिख रहा है वो कट हो जाएगा, बट और कुछ कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। तो हमें ये सब लिख लेना है, तो जैसे पहले बचा हुआ x माइनस वन वो लिख लिया, फिर है x प्लस टू वो लिख लिया, फिर x माइनस टू वो लिख लिया अपॉन। अब नीचे क्या क्या बचा हुआ है वो लिखना है, यहाँ पे x माइनस फोर पहले लिख लेते हैं, x माइनस फोर वो लिख लिया। अब x माइनस थ्री और यहाँ भी x माइनस थ्री दो है, तो इसको ऐसे लिखना है x माइनस थ्री द होल स्क्वायर, स्क्वायर डाल लेना क्योंकि ये दो है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर कर सकते हैं, बट तुमको यहीं तक आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन, तो कैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स जाओ फिर से देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए कि कैसे हम सीख रहे हैं। तो आई होप यू गॉट इट। Let us see the next question, question number 6. So question number 6 है 4x square minus 11x plus 6. इसमें भी हमें first case में middle term split करना है क्योंकि तीन term वाला number है, और second case में हमें a square minus b square का formula apply करना है। So let us begin with our first part, ये जो numerator है उसका middle term solve करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में भी नंबर दिया और एंड में भी दिया है, तो 4 6 करना है, 4 6 आ जाएगा 24, तो हमें 24 टेबल में ढूंढना है। तो 8 3 24 होता है, तो 8 3 24 हो गया। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हमें उसको प्लस करने पर 11 आ जाए, तो 8 3 करने पर 11 भी आ रहा है। तो मिडल टर्म का साइन है वो बड़े नंबर को दे दो, और देखना है कि हमें यहाँ प्लस चाहिए, तो हमें दोनों को माइनस देना होगा तभी यहाँ प्लस आएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ऐसे। और एज वेल एज हम ये को ये दोनों को प्लस भी करना है, तो दोनों को माइनस देना होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 3 11 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट कॉम्बिनेशन है, तो वो ले लेते हैं 4x² - 8x - 3x + 6 ऐसे अपॉन। यहाँ पे 16 था तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और ये x, तो 4x द होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, इसका रूट हो गया 4 4 16 होता है तो 4 आ गया, और 2x था तो 1x हो गया होल स्क्वायर, माइनस 9 का रूट निकालना होगा, 3 3 9, तो 9 का रूट निकाला तो स्क्वायर ऐसे। आई होप समझ में आ गया कि कैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले के लुक के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही लग रहा है, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी और होगा ए माइनस बी ऐसे। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो मिडल टर्म होगा, सेकेंड पार्ट का हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू, अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कॉमन, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 2 8 होता है। यहाँ मैंने समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में हमें पेंसिल से लिखना है, तो 4 2 8, तो 4 4 कॉमन,
4 कॉमन बाहर आ गया, और दोनों में x है तो x भी कॉमन बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा है, एक x बचा है और ये साइड पे माइनस के बाद में 2 बचा है, तो 2 ऐसा करना है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे 3 2 6 होता है, तो 3 3 क्या मिल जाएगा कॉमन, तो माइनस 3 कॉमन में आ गया। अब यहाँ बचा क्या है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में बचे एक्स, और यहाँ पे जैसे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन आएगी, और यहाँ बचा है 2, तो हो गया 2 ऐसा। इन दिस वे हमें करना है, तो ये हमने मिडिल टर्म को पहले स्प्लिट किया, फिर उसके बाद उसका कॉमन निकाला। अब ये वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर के नंबर में लिखना है, तो 4x+3 ऐसे, और हो जाएगा 4x-3। ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे, एक में प्लस एक में माइनस, ये हमारा ए है ये हमारा बी है ऐसे। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये दोनों कॉमन ब्रैकेट है, तो ये बाहर आ गया x-2। अब यहाँ क्या बच गया 4x-3 ऐसे, दिस वे। अब हमें ये जो हमने स्प्लिट किया था वो फॉर्मूला फिर से एज इट इज लिख लेना है, 4x+3, और यहाँ पे आएगा 4x-3 ऐसे। अब सारे नंबर को हमने सॉल्व कर लिया है, ये मिडल टर्म को स्प्लिट किया, फिर उसके बाद उसका कॉमन ब्रैकेट बाहर लिया और बचा हुआ लिख लिया ऐसे। अब सेम नंबर जो रहेगा ऊपर नीचे वो कट हो जाएंगे, क्योंकि वो 1 के टेबल से जाएंगे, तो ये 1 ये भी 1, तो ये कट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंट है तो कट नहीं होगा, तो ये एज इट इज, तो ये x-2/4x+3, सो दिस विल बी अवर आंसर, ये आंसर रहेगा हमारा, क्योंकि ये नंबर कट हो गए हैं, तो हमें जो आंसर है फाइनल आंसर ये रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। कैसे सॉल्व किया नहीं समझ में आ रहा है, रिवर्स जाके फिर से वीडियो देखो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे a³-b³ का फॉर्मूला यूज करना होगा। सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला यूज करना होगा, यहाँ पे भी हमें मिडल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला यूज करना होगा, और यहाँ पे हमें a²-b² का फॉर्मूला यूज करना है। सो लेट अस बिगिन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो 27 का क्यूब रूट निकालना होगा, तो ये a³ आ गया, और 27 का क्यूब रूट मतलब 9, क्योंकि 3 3 9 होता है, और 9 3 27 होता है, मतलब अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, तो ये हमें 27 का क्यूब रूट मतलब 3 लेना होगा, तो ये ऐसे 3 आ जाएगा, 3 द होल स्क्वायर ऐसे, होल क्यूब। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है फॉर्मूले के बेस पे। अब यहाँ पे देखते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो 5 3 15 और 15 मतलब प्लस 15 को हमें टेबल में फाइंड करना है, प्लस 15 को हम टेबल में फाइंड करेंगे, तो हमें क्योंकि 5 3 15 हमने लिया, प्लस 15 को फाइंड करना है, और हमें ऐड और सब्रैक करके 16 आना चाहिए मिडल टर्म में। तो यहाँ पे हम कौन सा टेबल लेते हैं, जैसे हमें टेबल 15 1 15, अगर मैं ये लेता हूँ तो 15+1 करने पे 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 15 1 15 का टेबल ले रहा हूँ। तो मिडल टर्म के पास माइनस साइन है, तो यहाँ पे बड़े नंबर को माइनस दे दो, और हमको यहाँ प्लस चाहिए, तो माइनस और माइनस हमें प्लस मिल जाएगा, तो दोनों को माइनस साइन देना होगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, 5a² - 15a, फिर उसके बाद में -1a मतलब a, फिर उसके बाद में +3 ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इसका स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म, ऐसे स्प्लिट करना है, और अब ये वाले नंबर का मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें 9 चाहिए, तो 9 हमें ढूंढना है टेबल में, तो टेबल कौन से टेबल में जाएगा, जैसे अगर हम 3 3 9 लेते हैं तो हमें 3a नहीं मिल पा रहा है 9 के टेबल में, और कोई नंबर जैसे हमें देखना होगा जो 9 हमें मिलना चाहिए, 9 टेबल में आना चाहिए हमें, यहाँ
यहाँ पे 9 1s are 9 और 3 3s are 9, दो टेबल जाते हैं, लेकिन हमें मिडल टर्म नहीं मिलता है, तो ये नंबर में मिडल टर्म पॉसिबल नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है, तो इसको हमें एज इट इज लिख के रखना है, ए स्क्वायर प्लस 3a plus 9, बाद में हम इसे यूज कर लेंगे। अब हमें स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर रूट, मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 का रूट क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, क्योंकि a भी अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में और 5 भी, और बाहर आएगा स्क्वायर ऐसे 5a स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 1 1, मतलब 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 1s are 1 ही होता है कोई भी नंबर से लिया तो। तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज रखा है, क्यों हमने इसको एज इट इज रखा है, क्योंकि हमें मिडल टर्म नहीं मिल पा रहा था, जैसे अगर मैं ले रहा हूँ 9 1s are 9 तो 9 को प्लस माइनस 1 से प्लस माइनस करने पर 3 नहीं मिल रहा है, और अगर मैं ले रहा हूँ 3 3s are 9 तो भी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम इसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस सॉल्व फर्दर, अभी हम फर्दर देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 में हमने स्टडी किया था, a³ - b³ का फॉर्मूला वो अप्लाई करना है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a³ - b³ का क्या फॉर्मूला था वो हमें याद होना चाहिए, मतलब a - b, फिर ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा a² + ab + b² ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे a³ और b³ है, तो उसके लिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो वहाँ पे आ जाएगा जैसे a की जगह पर तो a ही रहेगा, तो a - b के जगह पर 3 आ जाएगा, तो a - b ऐसे a - b, फिर उसके बाद में सेकेंड ब्रैकेट a², तो a² एक ही जगह पे a ही रहेगा, प्लस ab मल्टीप्लाई, मतलब a × b, तो a³ प्लस b² मतलब 3² ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा इन दिस वे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट इन करके इसको फॉर्मूले में इसका एक्सपांशन कर दिया, ये वाले नंबर का ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये a और ये b है, तो a² + ab + b², तो ये था b², तो b² यहाँ पे आ गया। अब आगे इसका जो हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया है उसमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ 5 और यहाँ 5 3s are 15 होता है, तो 5 और 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 को बाहर लेना है, ब्रैकेट में बचेगा, सॉरी 5a बाहर आएगा, ये स्टेप में कट करके वापस से यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ नीटली, ठीक है, तो a - 3, फिर आएगा a² + a³ + 3² ऐसे, तो इसको मैंने ये स्टेप को फिर से लिख लिया है। अब 5a² मतलब कॉमन लेना है दोनों में कॉमन, तो यहाँ 5 कॉमन है और यहाँ पे 5 3s are 15 होता है, तो 5 5 दोनों में कॉमन आएगा और a कॉमन आएगा, 5a कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बच गया वो लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, a - 3, तो a - 3 ऐसे, फिर दूसरे ब्रैकेट में जैसे माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस साइन है, तो अब ये दोनों में कॉमन, कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 है, मतलब a × 1 3× 1, तो 1 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, a - 3, यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ऐसे आएगा, यहाँ माइनस, या तो हम पहले ब्रैकेट में देख सकते हैं माइनस है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी सेम साइन आएगा। नेक्स्ट उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब ये वाले नंबर को हम लिखते हैं, ये वाले नंबर को एज इट इज लिखना है, तो a² + 3a + 9 ऐसे, अपॉन यहाँ पे 5a² और 1 है, तो इसका फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला आएगा, a² - b², a² - b² का फॉर्मूला क्या आता है, a + b और a - b, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो 5a + 1 और दूसरा आएगा 5a - 1 ऐसे।
समझ सकते हैं ये दोनों स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर में इसको तो हमें एज इट इज रखना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। ए माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा थ्री ए प्लस थ्री थ्री जा नाइन अपॉन नीचे जो नंबर है वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस थ्री कॉमन है तो अलग ब्रैकेट में आ गया a माइनस थ्री, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस वन ऐसे। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब डिवाइड, अब ये तो एज इट इज आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन अपॉन 5a प्लस वन और 5a माइनस वन ऐसे। अब हमें डिवाइड की जगह क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, बाकी सब एज इट इज लिखना है। तो a माइनस थ्री फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन अपॉन a माइनस थ्री 5a माइनस वन ऐसे। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एज इट इज लिखा, अब डिवाइड की जगह आ रहा है मल्टीप्लाई, तो ये नंबर ऊपर 5a प्लस वन और 5a माइनस वन ये ऊपर आ गया अपॉन ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस नाइन ऐसे। अब यहाँ पे जो सेम नंबर्स हो गए वो कट हो जाएंगे क्योंकि सेम ऊपर नीचे होने पर वो वन जा जाके कैंसलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये वाला सेम है, तो ये कट हो रहा है, कट कर दिया है मैंने। और कौन सा सेम है, 5a और 5a यहाँ पे भी सेम है, तो ये दोनों कट हो जा रहा है। और यहाँ पे ये दोनों भी सेम मिल रहा है, तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे ऐसे। तो जो जो कैंसलेशन हो रहे थे मैंने कर दिया है ऊपर नीचे सेम सेम। अब जो बच गया है वो आंसर है, तो 5a प्लस वन नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो 1 बचा है, तो ये हमारा आंसर है। तो फाइनली इसको कैसे लिखना है, 5a प्लस वन इन दिस वे। तो वी गॉट द आंसर, हमने क्वेश्चन नंबर 7 फुल सॉल्व कर लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझा है वीडियो को रिवर्स जा करके फिर से देखो, समझो अच्छे से, प्रॉपरली वीडियो देखो, सारे वीडियोस देखो तब समझ में आएगा। क्योंकि ये डिफिकल्ट ग्रुप डी क्वेश्चंस है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, तो इसके लिए इसको हमें प्रॉपरली सीखना होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा और यहाँ पे हमें a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमें इसे एज इट इज रखना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्प्लिट का रिक्वायरमेंट नहीं है और करने पर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये नंबर हमें कॉमन में मिल सकता है आगे इसके साथ में। नेक्स्ट 1 प्लस x तो ऐसे ही रहेगा, तो पहले हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये 2 है, हमें यहाँ पे +1 चाहिए होगा, टेबल में +1 चाहिए होगा हमें, यहाँ पे +1 और टेबल लेना है, जैसे हमें प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 1 1 करने पे आ जाएगा 1 1 1, तो एक को हमें माइनस देना होगा, दूसरे को भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 1 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस करने पर 1 प्लस 1 करने पर 2 भी मिल जाएगा, मतलब मिडल टर्म मिल जाएगा। तो इन दिस वे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो 1 माइनस 1x, फिर से हम लेते हैं -1x, फिर +x² अपॉन, ये हमने 2 को स्प्लिट कर दिया है मिडल टर्म को। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा a³ - b³, तो इसको हम ऐसे क्यूब फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो यू विल गेट इट कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है। ये a³ है, ये b³ है, क्योंकि 1 1 1 करने पर 1 ही आ जाएगा। इसको फिर लिख लेते हैं 1 प्लस x प्लस x² अपॉन 1 प्लस x। अब यहाँ पे फॉर्मूला
जो मिडिल टर्म हमने निकाला था उसका कॉमन टर्म लेना है, तो 1 1 कॉमन बच गया क्या है 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में एक्स एक्स कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया तो ये माइनस प्लस माइनस ऐसे। तो यहाँ पे हमने मिडल टर्म का आगे का स्टेप कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आते हैं ए माइनस बी, फिर अदर ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट इन करना, यहाँ पे पुट इन करना है इसके लिए। तो 1 माइनस एक्स ये एक ब्रैकेट हो गया क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस प्लस ए बी मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे। तो ये भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला स्प्लिट करके फॉर्मूले में पुट इन कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट फर्दर अब ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स ऐसे अपॉन नीचे एज इट इज 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई बाय अब इसको एज इट इज ऐसे। अब सारी चीजों को हमने स्प्लिट करके उसको जो है लास्ट स्टेप पे लेके आ गए, अब हमें जो कॉमन मिल रहा है वो कट हो जाएगा क्योंकि 1 जा टेबल में जाएगा ये और ये कॉमन था कट हो गया दोनों। अब यहाँ पे और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 1x कॉमन है, यहाँ पे 1x कट हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचा है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन और नीचे बचा है 1 प्लस एक्स, दिस वे दिस विल बी अवर आंसर। तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया इसके लिए, फिर इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला अप्लाई, इसको हमने एडिस एज इट इज रखा है, नो चेंज किया है, लास्ट में जब फाइनली कॉमन मिलने पर कट होगा और फाइनल जो बचा हुआ है वो आंसर बन जाएगा। तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमारा फुल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट 6.4 कंप्लीट हो गया है। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ये प्रैक्टिस सेट्स अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमें 6.1, 6.2, 6.3 प्रॉपरली आना चाहिए। तो इसके लिए प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस चेक करो, प्लेलिस्ट से वीडियो सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस सेट प्रॉपरली। वैसे इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आई होप समझ में आ गई होगे। So thank you for watching, don't forget to subscribe, share with your friends, thank you all, take care.